हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेट एक्सेलेंस। आई एम दीक्षित। बेनिफिट एंड पावर ऑफ एम आज का अपना टॉपिक रहेगा। लास्ट में अपन ने मॉड्यूलेशन इंडेक्स तक अपन ने देख लिया था, राइट। तो शुरू करते हैं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स अपन ने लास्ट टाइम में देखा था कि आप किसी भी सिग्नल का सेंड करते वक्त कैरियर के कुछ पैरामीटर्स में चेंजेस करते हैं, यानी आप उसके एम्पलीट्यूड में चेंज करते हैं, आप उसकी फ्रीक्वेंसी या फेज़ में चेंज करते हैं। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन देखते वक्त अपन ने ये देखा था कि दो तरह के फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर आपका निकालना हो तो सिंपल जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, जिसको भेजा जा रहा है, उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और जिसके सहारे यानी कैरियर सिग्नल के सहारे भेजा जा रहा है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, उन दोनों का रेशियो ले लो। यू विल गेट द म्यू और एम ए और मॉड्यूलेशन इंडेक्स। जब मैं उसको 100 से गुणा कर देता हूँ तो मॉड्यूलेशन डेप्थ मिल जाती है, और ये हमेशा लेस देन 1 होनी चाहिए या इक्वल टू 1 हो सकती है मैक्सिमम। सेकंड, जब आपके पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो यानी एस टी हो, उसके मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड आपके पास अवेलेबल हो तो भी आप निकाल सकते थे मॉड्यूलेशन इंडेक्स। उसका फॉर्मूला था एम एक्स माइनस एम इन अपॉन एम एक्स प्लस एम इन। यहाँ तक अपन ने देख लिया था। अब अपने को ये बात करनी है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स में बैंडविड्थ और पावर का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान में रखना, बैंडविड्थ का मतलब होता है कि जिसके दायरे में आपको सिग्नल भेजना है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी और एक मिनिमम होगी, उसको बैंड बोलेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट फ्रीक्वेंसीज ऑफ द सिग्नल एफ मैक्स माइनस एफ मिन, ये अपने पास रहेगा बैंडविड्थ की डेफिनेशन के नाम पर, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, वो वाला सिग्नल की बैंडविड्थ कहलाएगी। कैसे आएगी अभी अपन देखते हैं। लेट द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज एस टी, ये अपन ने देखा था। एस टी इज नथिंग बट ए सी 1 प्लस म्यू कॉस 2 पाई एफ एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। ये अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा है वो, तो आप इसको ऐसा समझें, एस टी ये था, इट इज सिंपल एक्स टी प्लस ए कॉस ओमेगा सी टी, और ओमेगा सी इज नथिंग बट 2 पाई एफ सी टी, और एक्स टी जो है तुम्हारे पास ओमेगा एम यानी कॉस ओमेगा एम टी के नाम पर है, और उसको आप लिख सकते हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं कॉस ओमेगा एम टी के नाम पे, तो दैट इज 2 पाई एफ एम टी। ठीक। अब मैं इनको जब ऐसा लिखता हूँ अरेंज करके, तो ए सी कॉमन आ रहा है कैरियर का एम्पलीट्यूड, तो इसको अगर आप ये वाली अगर आपको नहीं क्लिक कर रही है क्वेश्चन, तो आप अंदर गुणा करके देख लीजिए, इसके प्रीवियस वाली स्टेप आ जाएगी। जैसे ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, यानी सिंपल ए कॉस 2 पाई एफ सी टी, यानी ए कॉस ओमेगा सी टी वाली। ए सी म्यू, और म्यू क्या था, म्यू इज़ नथिंग बट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या था, एम ए इज इक्वल्स टू एक्स टी का मैक्सिमम पोर्शन एम्पलीट्यूड का अपॉन ए, इसको अपन एक्सा भी लिखते हैं ए एम अपॉन ए सी। ठीक, जब ए सी और ए सी लिखेंगे तो ए सी कट गया, पीछे बचा क्या ए एम, तो ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी, यानी ये वाली एक्स टी की इक्वेशन आ गई, ये वाली ए एम कॉस ओमेगा एम टी की जगह। तो इसको अगर मैं म्यू के टर्म में लिखूं तो ये बन जाएगा ए सी कॉमन आके 1 प्लस म्यू, म्यू इज़ नथिंग बट मॉड्यूलेशन इंडेक्स कॉस 2 पाई एफ एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। ये सिंपल मॉड्यूलेटेड सिग्नल की वेवफॉर्म इक्वेशन हुई। अब आपने इसको एक्सपांड किया तो ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी तो आ ही गया, फिर ए सी इंटू म्यू कॉस 2 पाई एफ सी टी और कॉस 2 पाई एफ एम टी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये मेरे पास एक्सटेंडेड इक्वेशन आ गई। ओके, अब देखिए एस टी जो फाइनल इक्वेशन है वो ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, यहाँ तक तो ठीक था। ए सी म्यू बाद में है, इसको मान लीजिए कॉस ए और इसको मान लीजिए कॉस बी, तो ये कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला बन गया, और मैं इस पर्टिकुलर को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो मेरे पास कुछ फॉर्मूला एक्सटेंड होके यूँ बन जाएगा। कैसे, ए सी म्यू बाई 2 तो बाहर आ गया, कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम, यानी कॉस ए प्लस कॉस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, फॉर्मूला ये बन गया है, ये कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और ए और बी मैंने आपको बता ही दिया। तो जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो 2 पाई एफ सी प्लस 2 पाई एफ एम टी, तो 2 पाई टी तो बाहर आ गया, तो पीछे एफ सी प्लस एफ एम और एफ सी माइनस एफ एम, यही आगे जाके लोअर और अपर साइड बैंड होता है। तो ये वाली इक्वेशन ध्यान में रखना हमेशा। ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी ये सिंपल हो गया कैरियर, जिसके सहारे आपको भेजना है, और ये वाले हो गए तुम्हारे FC+FM और FC-FM जो कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और कैरियर की फ्रीक्वेंसी इंपोज होकर जा रही है। तो दिस इज अवर फाइनल मॉड्यूलेटेड सिग्नल की इक्वेशन। AC cos 2 pi FCT अलग, AC μ/2 cos 2 pi FC+FMT प्लस AC μ/2 cos 2 pi FC-FMT। ये सिंपल इक्वेशन हो गई मॉड्यूलेटेड AM की। अब फाइनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड के पास तीन फ्रीक्वेंसी आ गई। सबसे पहले कैरियर फ्रीक्वेंसी FC ये लीजिए, अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी FC+FM ये लीजिए और लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी FC-FM। बिल्कुल अपने पास इसमें ST के नाम पर तीन फ्रीक्वेंसीज हैं, वो मैंने स्पेसिफाई कर दी। अब आपको अगर मैं ये पूछूं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी तो आप क्या बोलेंगे, जो कैरियर और जो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है उनको जोड़ो। तो FC+FM आप करेंगे तो ये मैक्सिमम और इन दोनों को घटाएंगे तो यू विल गेट द मिनिमम। सो FC-FM इज़ माई मिनिमम। अब मैं बैंडविड्थ की जो इक्वेशन थी मेरे पास फर्स्ट स्लाइड पे, बैंडविड्थ इज Fmax-Fmin, बस मैं वही करने जा रहा हूँ। तो Fmax-Fmin करूँगा तो FC+F - FC-FM, तो ये माइनस जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस हो जाएगा FM और FC कट जाएंगे तो दैट इज़ द 2FM, दैट विल बी 2FM। ये लास्ट लाइन में लिखा है तो बैंडविड्थ विल बी 2FM। द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड इज़ द ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यहाँ से अपने को एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता चलता है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स में बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कितनी होगी कि जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी उसका दोगुना यानी 2FM। सिंपल। तो यहाँ से अपने को अभी बैंडविड्थ का पता चला, ठीक। तो बैंडविड्थ वॉज क्या कि Fmax-Fmin और जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट है यानी कैरियर और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की उन दोनों को जोड़ेंगे तो यू विल गेट द F मैक्सिमम घटाएंगे तो F मिनिमम। और कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट थी वो अपन ने देखी। अब बात करते हैं पावर की कि AM का पावर कितना होता है यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के पास पावर क्या होता है। तो वापस ये वाली इक्वेशन AC cos 2 pi FCT प्लस AC μ/2 cos 2 pi FC+FMT प्लस AC μ/2 cos 2 pi FC-FMT, ठीक। अब इसमें मुझे पावर निकालना है तो पावर ऑफ AM वेव इज इक्वल टू द सम ऑफ पावर ऑफ कैरियर, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड। यानी अपने पास इन तीनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी के पावर को जोड़ दूं तो मैं टोटल पावर पता लगा सकता हूँ। तो कैरियर का पावर ये रहा PC, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड इन दोनों को जोड़ दो। अब मेरे पास बात आती है कैरियर पावर को कैलकुलेट करने की। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आप कोसाइन साइनोसॉइड के निकालने हो किसी सिग्नल का पावर तो वो क्या होता है Vrms² / R। भाई P क्या होता है V × I और आपके पास V है तो I को क्या लिखते हैं V/R। तो ये तो सिंपल फार्मूला हुआ है ना V² / R। बस यहाँ पे ये ध्यान में रखना आपको यहाँ पे RMS वैल्यू लेनी होती है, रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू। अगर आपको सिंपल पावर निकालनी हो किसी भी कोसाइन सिग्नल की तो आप क्या लेंगे 1/2T यानी टाइम पीरियड -T से T कॉस स्क्वायर और जो भी आपके पास सिग्नल है DT। ये एक सिंपल पावर निकालने का फार्मूला होता है कोसाइन सिग्नल का। तो जब आप इस फार्मूले को रखेंगे तो यू विल गेट सिंपल Vrms² / R। तो Vm/√2 Rms² यानी मैक्सिमम अपॉन √2 तो RMS की वैल्यू आ जाएगी का होल स्क्वायर अपॉन 2। Vrms इज द RMS वैल्यू ऑफ द कॉस सिग्नल एंड Vm इज द पीक वैल्यू ऑफ कॉस सिग्नल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो Vrms² / R ये अपना जनरल फार्मूला। अभी Vm/√2 करेंगे तो वी विल गेट द Vrms वैल्यू। सो Vm/√2 का होल स्क्वायर एंड अपॉन यहाँ R आएगा not 2 R। तो Vrms² दैट इज Vm/√2 का होल स्क्वायर अपॉन R दैट इज द PC, ओके। अपर साइड बैंड में क्या होगा तो ये कैरियर पावर आ गया अपने पास AC² / 2R। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना भाई, AC² / √2 का 2 और ये R, √2 का स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट 2। तो AC² / 2R PC आ गया। अपर साइड बैंड में करेंगे तो वही Vrms की वैल्यू का स्क्वायर अपॉन R। अब अपने पास Vrms मतलब मैक्सिमम वैल्यू का बटा √2। तो मैक्सिमम वैल्यू अपर साइड बैंड के पास क्या है, वापस आओ एक बार यहाँ पे AC μ/2 ये इसका एम्पलीट्यूड है ना। लोअर साइड बैंड का भी सेम है तो एक का ही कर लेंगे, दोनों का आ जाएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी FC+FM इसलिए अपर साइड बैंड, FC-FM तो लोअर साइड बैंड। तो अपर साइड बैंड के पास AC μ/2 तो AC μ/2 अपॉन √2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट AC² μ² / 8R। ये किसका पावर आया अपर साइड बैंड का, लोअर साइड बैंड का भी सेम ही रहेगा क्योंकि अपने पास उसमें एम्पलीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक। अब मैं इन तीनों को जोड़ देता हूँ तो AC² / 2R कैरियर का पावर, ठीक है। AC² μ² / 8R अपर साइड बैंड और AC² μ² / 8R। तो ये तो हो गया लोअर साइड बैंड, ये अपर साइड बैंड और ये कैरियर, इन तीनों को मैं जोड़ रहा हूँ। तो ए सी स्क्वायर अपॉन 2 आर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस ये 1 आ गया, ए सी स्क्वायर अपॉन 2 आर कॉमन आते ही म्यू स्क्वायर अपॉन 4 बचेगा, इधर भी म्यू स्क्वायर अपॉन 4, ये दोनों मिलके म्यू स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएंगे। तो पी टी इक्वल्स टू पी सी इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2, ये है टोटल पावर आपकी। ये पी सी क्यों आ गया, ए सी स्क्वायर अपॉन 2 आर को पी सी लिखते हैं, लास्ट स्लाइड में देखा था, ए सी स्क्वायर अपॉन 2 आर को पी सी लिखते हैं। तो पी टी इक्वल्स टू पी सी इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2, म्यू क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो ये एक पावर रिलेशन है अपने पास कैरियर पावर और टोटल पावर का विथ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक, अब आप इसको म्यू के फॉर्मेट में निकाल सकते हैं भाई, पीसी अगर आपके पास दे रखा हो तो सिंपल आ ही जाएगा, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स यानी तीन में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। अगर आपसे यहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछ ले तो क्या करेंगे, पीटी अपॉन पीसी फिर -1 और उसका स्क्वायर, ये तो आप लोगों को आता ही है। यानी तीनों में से कोई भी एक चीज़ अगर आपको अननोन हो तो आप नोन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पावर रिलेशन ऑफ द एएम। तो बैंडविड्थ और पावर को अपन ने देख लिया। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में बैंडविड्थ जो होगी वो होगी ट्वाइस ऑफ एफएम, और या एफएम मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का दोगुना बैंडविड्थ रिक्वायर्ड। और पावर का ये रिलेशन पी टी इक्वल्स टू पी सी ब्रैकेट 1 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2 या म्यू स्क्वायर बाई 2 यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स का स्क्वायर अपॉन 2। सो दिस इज ऑल अबाउट द पावर एंड बैंडविड्थ ऑफ द एएम। गुड लक, थैंक यू।